हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग सेंटर। आई एम निशा गुप्ता फ्रॉम जीसीसी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लेक्सर्स। बिफोर स्टार्ट माय टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो मल्टीप्लेक्सर्स है वो बहुत मुश्किल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, बट मैं बहुत इजी वे के साथ आपको मल्टीप्लेक्सर समझाऊंगी। देखो आज हम करते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ द मैन। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मैनी टू वन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है सेवरल डाटा इनपुट लाइन्स होती हैं और एक सिंगल आउटपुट लाइन्स है। जितनी जो इनपुट बिट्स हैं हमारे पास, हमने उसमें से ओनली वन सेलेक्ट करनी है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है सिलेक्टिंग वन आउट ऑफ मैनी। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मैनी टू वन। मल्टीप्लेक्सर इज आल्सो नोन एज अ डेटा सिलेक्टर। इसको डेटा सिलेक्टर भी बोला जाता है एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, MUX। ठीक है जी। इट हैज सेवरल डेटा इनपुट्स लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो है मल्टीप्लेक्सर का, वो कैसे होता है, N=1 MUX। MUX means multiplexer। इसमें देखो N क्या है, N is the total number of input data bits। N हमारे पास है total number of input data bits है। ये जो N input bits हैं उसमें से आपने 1 को select करना है and 1 output आएगी, 1 output है Y। clear? To select 1 bit out of the N bits, जो N bit में से 1 bit को जब हम select करते हैं, control inputs आर कॉल्ड सेलेक्ट इनपुट्स बोला जाता है उसको। नंबर ऑफ द सेलेक्ट इनपुट्स, जो आपने सेलेक्ट करनी है इनपुट्स, उसको हम बोलते हैं m। तो 2 की पावर m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल n के इक्वल है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनपुट बिट्स हैं, और m का मतलब क्या है, जो आपने नंबर सेलेक्ट करनी है इनपुट के। क्लियर। उसके बाद हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। देखो मल्टीप्लेक्सर की कितनी टाइप्स होती हैं, 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर। क्लियर। तो ये देखो, ये मैंने आपको बना के दिया है, ये मल्टीप्लेक्सर है हमारे पास। इसमें देखो मेरे पास है, ये सारे इनपुट्स हैं, डाटा इनपुट्स हैं, जिसको मैंने डिनोट किया है D0, D1, D2, सो ऑन Dn-1। क्लियर। N:1 मल्टीप्लेक्सर है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल आउटपुट है जिसको मैंने वाई के साथ डिनोट किया है, और यहाँ भी ये देखो क्या है, सिलेक्टेड लाइंस है जिसको हम कंट्रोल लाइंस भी बोल सकते हैं। ये मेरे पास सिलेक्टेड लाइंस है S0, S1, so on, Sm-1। अभी मैंने आपको बताया था कि जो m है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस होती हैं, उसको कंट्रोल लाइंस भी बोला जाता है। ठीक है जी। चलो अब हम करते हैं फर्स्ट टाइप उठाते हैं मल्टीप्लेक्सर की। हमारे पास फर्स्ट टाइप है 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम बताएंगे कि जो 2:1 मल्टीप्लेक्सर है वो क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया है N:1। अब हम क्या करेंगे, 2:1 है तो हम लिखेंगे N:2। ये मेरे पास मल्टीप्लेक्सर्स है। यहाँ पर मैंने डाटा इनपुट लिया है, दो डाटा इनपुट्स आएगा D0, D1। इसको आप I0 और I1 के साथ भी डिनोट कर सकते हो इनपुट। क्लियर। और यहाँ पे वन आउटपुट है, Y के साथ डिनोट करेंगे। ये मेरे पास है सेलेक्ट लाइन है, जिसको हमने क्या बोला था अभी, कंट्रोल लाइन। देखो M यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्टेड लाइंस है। N मेरे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 की पावर m इज इक्वल्स टू n। n क्यों है, बिकॉज 2:1 का मल्टीप्लेक्सर है। तो 2 की पावर m किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 1 के इक्वल। देन m की वैल्यू क्या आ गई, 1। क्लियर। बेसिस अगर इक्वल हो, बेसिस सेम हो, देखो इसमें है m की वैल्यू 1 आ गई। अब हम करते हैं इसका वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल में क्या है, सेलेक्ट इनपुट जिसको हमने S0 के साथ डिनोट किया है एंड आउटपुट है मेरे पास 1। अगर जो सेलेक्ट इनपुट है वो जब 0 होगी जब 1 होगी। अगर सेलेक्ट इनपुट हमारे पास 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, D0 के साथ डिनोट करेंगे। अगर 1 है तो D1 के साथ डिनोट करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली जो लॉजिक फंक्शन है आउटपुट का, वो क्या बन गया, D0 S0 complement plus G1 S0। क्लियर। तो ये है लॉजिक फंक्शन। अब हम करेंगे इसका सर्कल डायग्राम।
इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग द लॉजिक गेट. देखो इसमें हम लॉजिक गेट कौन कौन से यूज करेंगे, एंड और नॉट. इसमें तीन लॉजिक गेट जो है बेसिक गेट्स जो यूज होंगे. एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब होता है प्लस, नॉट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास दो इनपुट्स हैं, डी नॉट एंड डी वन, और ये मेरे पास एक सेलेक्ट लाइन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एंड डायग्राम, ये जो है सर्कल डायग्राम में एंड गेट बनाते हैं, फिर एक सेकंड एंड गेट बनाएंगे. फर्स्ट एंड गेट में ये जो डी नॉट है ये इनपुट जाएगी, एंड सेलेक्ट लाइन जो है वन जो है एस नॉट है उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा. टू इनपुट गए तो ये बन गया, आउटपुट में आ गया एस नॉट कॉम्प्लीमेंट डी नॉट. एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे डाटा इनपुट जो है डी वन हमने लिया, सेकेंड एंड गेट में हमने डाल दिया, और एस नॉट जो है सेलेक्ट लाइन है वो इनपुट डाली, तो आउटपुट मेरे पास आ गया डी वन एस नॉट. अब दोनों जो रिजल्ट हैं, दोनों इनपुट हैं, तो दोनों किस में आएंगे, और गेट में आ जाएंगे. तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एस नॉट कॉम्प्लीमेंट डी नॉट प्लस डी वन एस नॉट. क्लियर? तो ये हमारा जो है बेसिक गेट्स हैं को यूज़ करके हमने इम्प्लीमेंटेशन करी है 2:1 मल्टीप्लेक्सर की. अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे मल्टीप्लेक्सर की, नेक्स्ट टाइप करेंगे 4:1.